कि ये लिविंग सही भी है, लेकिन अगर उसको सही तरीके से दोनों अच्छा। लोगों का कंसेंट हो और सोच सही हो तो फिर वो सही है। लेकिन आजकल ये देख देख के लोग अलग ही हो रहा है, तो फिर उस पे अच्छा। और जो सबको एक समान मानना चाहिए, जैसे अपनी बहन है वैसे दूसरों को भी बहन मानना चाहिए। अगर प्यार करो तो उसको निभाओ, नहीं तो मत करो। माँ बाप जो कराते थे वो भी ठीक है, लेकिन हम लोगों को भी अपनी पसंद नापसंद माँ बाप के सामने मतलब बोलना चाहिए कि हमको भी ये चीज़ पसंद है। शायद उनकी मर्जी हो तो हम लोगों के साथ कुछ गलत ना होता है, मर्जी हो तब तब। और सबसे बड़ी बात है, गलतियाँ कहीं ना कहीं हमारी खुद की है, ठीक है। हम माँ बाप को दोष नहीं देना चाहेंगे कि माँ बाप ने बहुत बड़े जतन से आपको इस बॉडी को दिया है। मैम एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि किसी रिलेशनशिप कोई ख़राब नहीं होता, बट रिलेशनशिप में अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देना वो गलत बात है। और वैसे भी लिविंग रिलेशनशिप मुझे मैम नहीं, मुझे एक हिसाब से मेरे पर्सपेक्टिव से सही सही लगता है, सही क्योंकि लगता है आपको? नहीं सही अच्छा, लगता नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, क्यों आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो उस ट्रस्ट के लायक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो नारा है ये किस हद तक सही है, ये तो हमें धरातल पर दिख ही रहा है। हम बात करें निर्भया कांड की या कोलकाता रेप केस की या उड़ीसा की या राजस्थान की या बात करें हम बिहार की, हर जगह महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। महिलाओं की स्थिति पूरे देश में ऐसे ही हो गई है, आखिर इसकी मुख्य वजह क्या है? आपको बता दें हाल फिलहाल में एक मामला चर्चे का विषय बना हुआ है, जिसमें एक महिला को काट कर फ्रिज में भर दिया गया, उसके 30 टुकड़े करे गए। ऐसे ही मामला बीते दिनों 2021 में श्रद्धा का आया था दिल्ली में, जब उसके 35 टुकड़े कर दिए गए थे। तो क्यों प्रेम प्रसंग में पढ़कर महिलाएं या महिलाओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उनको फ्रिज में काट कर डाल दिया जाता है? तो इस पर हमारी जो समाज है, हमारे जो समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं उन पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। तो आइए हम बात करेंगे समाज के लोगों से, महिलाओं से, कि वो इन सभी घटनाओं को किस नजर से देखती हैं। क्या नाम है आपका? समीक्षा। अच्छा समीक्षा जी, ये बताइए कि लगातार जो घटनाएं हो रही हैं जिसमें लड़कियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, वैसे एक मामला सामने आया है कि एक लड़की को बेंगलुरु में, लड़की क्या कहें, एक महिला को, उसकी एक बेटी भी थी, उसको काट के फ्रिज में रख दिया गया। 10 दिन बाद उसकी लाश, मतलब 10 दिन बाद उसके घर वालों ने उसको देखा। तो इस पे आपके क्या विचार हैं, आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? देखो एक तो ये बहुत बीभत्स घटना है, बहुत बीभत्स घटना है। कारण इसका क्या है, उसमें समाज लाचार है। और सबसे बड़ी बात है, गलतियां कहीं ना कहीं हमारी खुद की है, ठीक है। हम माँ बाप को दोष नहीं देना चाहेंगे कि माँ बाप ने बहुत बड़े जतन से आपको इस बॉडी को दिया है, ठीक है। उस माँ से पूछो जिसने अपने 9 महीने पेट में रखा, और आप भी एक बच्ची की माँ हैं अगर, तो इस चीज़ को अगर आप कर रहे हैं, आपने गलत किया, आपका पति था भी और इसके बाद आप दूसरे के साथ लिविन में गए, बहुत गलत किया। आपका मामला था तो आप उससे सॉर्ट आउट करते, अपने हस्बैंड के साथ करते, नहीं रहना चाहते थे आप उससे अलग रह सकते। आपके पास हाथ पैर दिए हैं, सब कुछ है, तो आप भी कमा के खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होके ही आप सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर वजूद है, हम कमा के खिला सकते हैं, हम इतनी वजूद है, हम एक को नहीं 10 को खिला सकते हैं। क्या परिवार चलते नहीं है क्या? उसके बाद आप लड़कियों की बात कर रहे हो, अभी मैं आपको बताऊं, यूपीएससी का परसों का ही मामला है, इस समय जो दिल्ली में जो केस चल रहे हैं, कहीं ना कहीं यूपीएससी वाले छात्र हैं, वहाँ भी चौथी पांचवी घटना हुई है। अभी मैं कल देख रही थी, एक लड़का राजस्थान का है, दौसा के आगे के रहने वाला, वो कल उसकी डेड बॉडी मिली है 10 दिन के बाद। लाइब्रेरी उसका सब कुछ थी, रोज पर डे 8 बजे कॉल कर रहा था, घर पर नहीं पहुँचा, 10 बजे तक नहीं कॉल आई। तीसरे दिन माता पिता ने उसकी खबर पेपर को दिया है, कैसे क्या मैनेज किया, परिवार पूरी फैमिली दिल्ली आती है राजस्थान से, ढूंढती है उसको कैसे क्या है। एटलीस्ट वो लड़का मिलता है लाइब्रेरी के पीछे और हैंगिंग करके उसको टांगा जाता है। क्या क्यों? क्योंकि वो गरीब परिवार से बिलोंग करता है। इसमें कौन लाचार है? इसमें लाचार हमारा समाज है। हमें बंदिशें जो मिली हैं वो बंदिशों का गलत फायदा उठाया जा रहा है, लेकिन जो होनहार हैं उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। आपका क्या नाम है? अत्रिका यादव। अच्छा ये बताइए कि जैसे पहले के ज़माने में जब शादियां होती थी तो उसमें लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को देखते भी नहीं थे और शादी बहुत सक्सेसफुल हो जाती थी, लेकिन आजकल लोग साथ में रह रहे हैं, लिविंग में रह रहे हैं, उसके बाद भी उन लड़कियों को फ्रिज में काट के रखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें किसकी गलती है, आपको क्या लगता है, इसको आप किस नज़र से देखती हैं?
सबसे पहली बात तो नज़र की इसमें बात यहाँ पे ये आती है कि हम जब किसी के साथ रह रहे हैं, ठीक है, चाहे वो लिव इन में रह रहे हैं या किसी से जाके मिल रहे हैं, तो उसमें सबसे गलती तो आपकी ही है, क्योंकि आप अपने आप को कैसे समाज को प्रदर्शित कर रही हैं ये मैटर करता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यहाँ ये आती है कि उन लड़कियों को ये सोचना चाहिए कि लड़कियाँ क्यों इस तरीके से जा रही हैं, क्यों किसी के साथ रह रही हैं, क्या उनके पास क्यों हो रहे हैं, क्यों किसी को आप इतना आदर्श बना रहे हैं। एक चीज़ आप मुझे बताइए, आदत क्या है? आदत मुझे जन्मजात मिलती नहीं है, आदत अर्जित की जाती है, ठीक है। आदत हमारी मूलभूत एक आवश्यकता नहीं है कि हम उस चीज़ के हॉबी हो गए हैं। वो चीज़ आप अपने शरीर पे थोप क्यों रहे हैं भाई? आप एक चीज़ बताइए, मोबाइल आप चला रहे हैं, लती उसके ही तो हो रहे हैं, मोबाइल आप पे हावी थोड़ा ना है, है ना? यही चीज़ कहीं ना कहीं आप उस पे लाचार हो रहे हैं। क्या यही हम बात बताते हैं, क्या रिलेशनशिप यही चीज़ क्या समाज में रह गई है? आप एक बात आइए, बहुत गंदा तरीका है, बहुत गंदा तरीका है इस चीज़ को, और जो हो रहा है भैया कहाँ किस मोड़ पे जा रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि समाज जा किस मोड़ पे रहा है, ठीक है। क्योंकि समाज की दास्तां लिखने वाले जो पहले सच बता रहे हैं, जो बुजुर्ग पहले करते थे, उनके जो निर्णय होते थे बहुत अच्छे सॉलिड होते थे, परिवार बसते थे, आज परिवार नहीं चलते हैं। कारण यही है कहीं ना कहीं पे, क्यों? वो परिवार की मर्जी नहीं है उनमें, और कहते हैं जिस घर में बड़े बुजुर्गों का अगर साया नहीं है वो परिवार आबाद नहीं होता, बर्बाद की कगार पे ही खड़ा होता है, उस दहलीज पे रौनक कभी आती नहीं है। सेम मैटर यही होता है। अमृता, अच्छा अमृता जी ये बताइए कि आजकल ये जो प्रेम प्रसंग में पढ़ती हैं लड़कियाँ, उसके बाद साथ में रहती हैं, उसके बाद उनको फ्रिज में काट के भर दिया जाता है, तो इस पे आपके क्या विचार हैं? इसको क्या, इसमें आप किसको, इस पे आप क्या कहेंगे और इसको किस नज़र से देखती हैं आप? कुछ हद तक ये लिविंग सही भी है, लेकिन अगर उसको सही तरीके से दोनों अच्छा। लोगों का कंसेंट हो और सोच सही हो तो फिर वो सही है, लेकिन आजकल ये देख के लोग अलग ही हो रहा है, तो फिर उस पर अच्छा। और जो माता पिता पहले के ज़माने में शादियां कराते थे, जिसमें दोनों लोग आपस में जो मतलब पति और पत्नी होते थे वो आपस में दूसरे को देखते भी नहीं, लेकिन उनकी लाइफ देखिए कितनी अच्छी चल रही है, जैसे कि उदाहरण आपके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स, तो आपको क्या लगता है कि वो समय सही था या जो अब ये समय चल रहा है कि आपस में बात करके प्रेम प्रसंग में पढ़ के ये सब समय सही है? दोनों ही सही है अपनी जगह पे, उसका किस तरीके से यूज किया जा रहा है गलत वो अपनी मेंटालिटी पे है, बाकी तो दोनों ही सही है, पहले वाला भी सही था। ठीक, आइए बात करते हैं कुछ और लड़कियों से और जानते हैं उनके क्या विचार हैं। क्या नाम है आपका? खुशी। अच्छा खुशी, ये बताइए कि जैसे आप आजकल देख रही हैं कि लड़कियां प्रेम प्रसंग में पढ़ती हैं और लिविंग में रहती हैं, उसके बाद उनको फ्रिज में काट के रख दिया जाता है, वैसे एक मामला आज आया है कि बेंगलुरु में एक महिला को फ्रिज में काट के रखा गया, तो इन सब पे आपके क्या विचार हैं, इसको आप किस नज़र से देखती हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? ये बहुत गलत बात है वैसे तो, बाकी आप क्या गलत बात है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब सड़कों को ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये चीज़ गलत है। अच्छा, सबको एक समान मानना चाहिए, जैसे अपनी बहन है वैसे दूसरों को भी बहन मानना चाहिए, अगर प्यार करो तो उसको निभाओ, नहीं तो मत करो। पहले के ज़माने में होता था कि माँ बाप शादी करवाते थे तो देख दाख के करवाते थे, और लड़के आपस में देखते भी नहीं थे एक दूसरे को, लेकिन अब साथ रह कर भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें आप, इस पर आप क्या कहेंगे? माँ बाप जो कराते थे वो भी ठीक है, लेकिन हम लोगों को भी अपनी पसंद नापसंद माँ बाप के सामने मतलब बोलना चाहिए कि हमको भी ये चीज़ पसंद है, शायद उनकी मर्जी हो तो हम लोगों के साथ कुछ गलत ना होता है, मर्जी हो तब तब, अगर मर्जी ना हो तो फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा के आगे कोई कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपको क्या कहना है इस पे? अच्छा, आपका क्या नाम है? काजल। अच्छा, इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है कि आपस में प्रेम प्रसंग करके शादी करना किस हद तक सही है, या जो पहले माँ बाप कराते थे कि आपस में शादी कराते थे, लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे लेकिन सारी सक्सेसफुल हो जाती थी, और आजकल साथ रह कर भी ये सारी चीज़ें नहीं, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसको आप किस नज़र से देखती हैं? पहले के मतलब जो लोग थे तो काफ़ी अच्छे थे, अब तो देखिए ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं लड़के, अच्छा। उधर से उधर आवारा गर्दी करते हैं, तो उनका यही है ये लड़की खराब है, कहीं कहना चाहती हूँ नहीं खराब नहीं है, काफी अच्छे हैं, निभाने वाले निभा ले जाते हैं, लेकिन ज्यादातर अब तो ऐसे ही करते हैं। अच्छा, और ये जो लव जिहाद है आजकल ये ज्यादा प्रचलित चल रहा है, तो इसको आप, इस पे आप क्या बोलेंगे?
क्या है अगर घर वाले माने तो ठीक है वरना माने तो ठीक है। अभी ऐसे ही हुआ, वो उसके साथ रह रही थी, वो मुस्लिम था, श्रद्धा को जानती हैं आप? श्रद्धा का जो केस हुआ था, उसने उसकी टुकड़े कर दिए थे, तो वो मुस्लिम था। और ये इस केस में भी वो मुस्लिम है, तो क्या मुस्लिम है वो इसलिए गलत है या फिर कोई भी कर सकता है? अब ये तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ मुस्लिम में तो ऐसा कुछ मतलब ऐसा है नहीं, प्यार उसका पता नहीं क्या है। क्या नाम है आपका? मैं मंतिशा हूँ। अच्छा मंतिशा जी, ये बताइए कि जैसे आए दिन आप देख रही हैं कि महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, प्रेम प्रसंग में पढ़ के उनके साथ, हाँ, गलत चीज़ें हो रही हैं, वो लिविंग में रह रही हैं, उसके बाद उनको फ्रिज में काट के डाला जा रहा है। ऐसा एक मामला है बेंगलुरु का जिसमें एक महिला के साथ ऐसा हुआ है, उनके 30 टुकड़े करके उनको फ्रिज में रखा गया और 10 दिन बाद उनका शव उनके पेरेंट्स को मिला। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी, लड़कियों को के लिए आप क्या बोलना चाहेंगी या समाज को आप क्या कहना चाहेंगी? मैम एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि किसी रिलेशनशिप कोई ख़राब नहीं होता, बट रिलेशनशिप में अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देना वो गलत बात है। और वैसे भी लिविंग रिलेशनशिप मुझे मैम नहीं, मुझे एक हिसाब से मेरे पर्सपेक्टिव से सही लगता है, क्योंकि नहीं सही लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, क्यों आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो उस ट्रस्ट के लायक है। तो रिलेशनशिप इज़ बेटर, हम किसी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, वो ठीक है, बट उसके साथ रह जाना या फिर कोई भी फिजिकल टचेज या कोई रिलेशनशिप जो फिजिकल टच से रिलेटेड हो, और उनके ऊपर हद से ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा करना चाहिए, इतना भरोसा करना चाहिए जितना आप नुकसान में ना जाओ। अच्छा आपको क्या लगता है कि जैसे पहले हमारे पेरेंट्स जब शादियाँ कराते थे तो उनकी मर्जी से चीज़ें करना सही रहता है या फिर अपनी मर्जी से चीज़ें करना? मैं ये नहीं बोलूँगी कि उनकी मर्ज़ी से चीज़ें करना सही रहता है, सम टाइम वो भी बहुत ज़्यादा गलत होती हैं, बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन ले लेते हैं। अच्छा। और एक बच्चा जानता है कि उसके लिए कौन पार्टनर बेटर हो सकता है, उसके बाद उसको फ्रिज में काट के डाला जा सकता है। आप ये भी तो देख रही हैं, इससे पहले श्रद्धा का केस हुआ, उसके बाद अभी ये जिसके साथ हुआ, ये लड़की नहीं थी, ये औरत थी, इसका हस्बैंड था, उसको छोड़ कर ये रह रही थी और एक बच्ची भी थी। मैम उसका नहीं पता मुझे, बट मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम हो सकता है पेरेंट्स गलत हों, समटाइम बच्चे गलत हो, प्यार मोहब्बत होता ही नहीं है। एक एज होती है जिसपे बहुत सारी अट्रैक्शन होती हैं, वो नहीं समझ पाते क्या सही है क्या गलत है, क्या उन्हें करना है क्या नहीं करना है, बस एकदम बह जाते हैं एक दूसरे के प्यार में और कर देते हैं। और फिर जब उन्हें पता चलता है कि सामने वाला पार्टनर उनका ऐसा है, और जब उनके साथ कोई चीज़ गलत हो जाती है तब उनको रियलाइजेशन होता है एट द लास्ट उनके पेरेंट्स का कि वही सही थे। अच्छा क्या नाम है आपका? आयुषी जी। अच्छा आयुषी जी आप क्या कहेंगी इस मुद्दे पर, आपको क्या लगता है कि हम मैम ये बोलना चाहेंगे कि हमारे जो पेरेंट्स हैं हमें बोलते हैं, हमें बुरा लगता है इस चीज़ का, बट वो एकदम सही बोलते हैं, हमारे लिए वही सही है जो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं। हम तो यही कहेंगे मैम कि अगर आपके पेरेंट्स हैं वो किसी भी चीज़ के लिए रोक रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है, तो आई थिंक आपको उसी टाइम तक बुरा लग रहा है, उसके बाद वो जो करेंगे आपके लिए वो सबसे बेस्ट होगा, डिसीजन सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। अच्छा हो सकता है वो कुछ डिसीजन लीजिए हमारे लिए गलत हो, बट वो उस समय भी हमारे साथ होंगे, अगर डिसीजन वो गलत लेंगे फिर भी हमारे साथ होंगे वो, बट अगर हम डिसीजन लेंगे तो हम अकेले गलत होंगे, वो हमारे साथ नहीं होंगे। अच्छा अब एक सवाल आप दोनों से मैं ये पूछती हूँ कि जैसे इसमें ये लोग कहते हैं कि जो मुस्लिम लड़के हैं, आप देख रहे हैं लव जिहाद जो चल रहा है, लोगों ने बना रखा है और एक तरीके से राजनीतिक मुद्दा है, इस वजह से ज़्यादा हाईलाइट होता है ये, तो आपको क्या लगता है कि जो मुस्लिम हैं वो कर रहे हैं या फिर हिंदू लड़के भी ऐसे हो सकते हैं? मेरी फ्रेंड है और ये मुस्लिम और मैं हिंदू, मेरी इसकी इतनी बनती है और ये हमें बताती भी है कि ऐसी मेरे में ऐसा होता है, ऐसा कहा गया है, और हम भी बताते हैं कि हमारे मैम ये जो है मतलब हमारे कल्चर को इतना समझती है, शायद मैं इसके कल्चर को इतना नहीं समझती हूँ, तो मैम ये क्यों एक मसला है कि हिंदू है मुस्लिम है, लोग केवल इसको शो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़कों की बात हो रही है? हाँ मैम लड़कों की बात हो रही है, हाँ थोड़ा लड़के उस टाइप के हो जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं मुझे लगता है ना कि हिंदू और मुस्लिम मैटर नहीं करता है, इंसान मैटर करते हैं कि वो इंसान कैसा है। और मैंने जो देखा है हिंदू और लड़की में, अगर कोई हिंदू लड़का किसी हिंदू लड़की का मर्डर कर दे, हो सकता है वो इतना हाईलाइट ना हो, बट अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की का कर दे या फिर हिंदू मुस्लिम का कर दे तो वो मसला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। ये लोग चाहते हैं कि एक मुद्दा मिल गया है जिसमें इन लोगों को टीआरपी मिलती है, हर चीज़ को बढ़ाना। आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी हिंदू लड़के ने किसी लड़की को या महिला को फ्रिज में काट के भर दिया? नहीं सुना?
लेकिन इससे पहले जो दिल्ली में सुना होगा आपने श्रद्धा के साथ हुआ था, आफ्ताब ने फ्रिज में काट के भरा, वैसे ही आज एग्जैक्ट बिल्कुल सेम मामला, उसने 30 टुकड़े किए थे, उसने 35 किए थे, इसने 30 किए, तो इस पे क्या कहेंगे आप लोग? मैम ये मानसिक है उनका कि हाँ वो कर देते, मानसिकता है, ऐसा नहीं होते। हाँ मैम, ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, ये मसला ये है कि उनकी सोच कैसी है मैम, क्योंकि हम देखते हैं हिंदू लड़कियों में लड़के भी होते हैं कुछ गंदे, मुस्लिम भी होते हैं बट हिंदू भी होते हैं, तो मैम ये कोई मसला नहीं है कि हिंदू है मुस्लिम है, ये कोई नहीं है, बट उनकी सोच। फिर गवर्नमेंट को इस पे क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट तो काफी हद तक आगे है। केसेस हुए हैं लखीमपुर की साइड में, गाँव पड़ता है उससे पहले ओयल, तो वहाँ पे ये हुआ है कि 5 मुस्लिम लड़कों को मार के स्टेशन पे लटका दिया गया है, वो सिर्फ मुस्लिम थे, जस्ट बिकॉज उनकी किसी से लड़ाई हुई, उसी पल उसी से लड़ाई हुई, फिर दूसरे दिन उनको एक टारगेट बना लिया गया है, उन हिंदुओं ने टारगेट बनाया है, फिर उसको मार के लटका दिया स्टेशन पे। तो मैम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो हिंदू लड़के खराब थे, वो इंसान ही खराब था, उनकी मानसिकता ही खराब थी, छोटी सी लड़ाई पे मुस्लिम को टारगेट बना लेने का कोई मीनिंग नहीं होता है, मुस्लिम लड़कियों को टारगेट बनाने का कि ये मुस्लिम है तो हम इसके साथ ऐसा करेंगे क्योंकि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, तो मैम ये कोई बात नहीं होती, हिंदू मुस्लिम से पहले आप इंसान भी हैं, आपको इंसानियत का रिश्ता सबसे पहले होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम तो आप दुनिया पे आने के बाद बने हो, आपने खुद बांटा है, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, आप सिख हो, आप ईसाई हो, आप इंसान भी तो, आप ह्यूमन भी तो, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए मैम। जो सरकार है हमारी, उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी कि सरकार क्या करे, कुछ स्टेप्स ले, या फिर प्रशासन कुछ स्टेप्स ले इस पे, महिलाओं के लिए क्या कुछ होना चाहिए? वैसे बहुत कुछ हो रहा है, पर आप अपनी तरह से कुछ कहना चाहेंगी कि ये चीज़ें करनी चाहिए गवर्नमेंट को? मैम मुझे ऐसा लगता है नहीं कि ये लोग जो है कितने भी रूल रेगुलेशन बना ले, बोलते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है हमारे देश का कानून बहुत अच्छा हो गया है, हमारी लड़कियों की सेफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बट मैम ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है, तो उसके ऊपर कुछ कह नहीं सकते। आप क्या कहेंगी? मैम हम तो ये बोलेंगे, सरकार को हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हम लड़कियों को कहना चाहेंगे कि उनकी सेफ्टी उनकी सेफ्टी उनके हाथ में है, उनके पापा रोक रहे हैं उनको रात में नहीं जाना है, तो उनको नहीं जाना चाहिए, हो सकता है उसको उस टाइम अच्छा लगे, बट उसके बाद उनके साथ जो होगा उसके जिम्मेदार वो खुद होंगी, इसलिए मम्मी पापा की बात माननी चाहिए मैम, सरकार से कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मुझे नहीं लगता। कहीं ना कहीं हमारी खुद की गलती होती है, खुद की गलती होती है कि हम नहीं सुनते हैं अपनी मम्मी पापा की बात, हमें बहुत बुरी लगती है मैम, घर से हम यहाँ आए हैं, हमको रियलाइज हो रहा है कि मम्मी पापा से दूर रहकर बहुत अच्छा, आप लोग बाहर रहते हैं? यस मैम, हम लोग कोचिंग में रहते हैं, यहाँ से मैम हम जल्दी की बात है, हम जा रहे थे तो रास्ते में हम इतना डर गए थे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे भी होते हैं समाज में, और कुछ लोग बहुत बुरे भी होते हैं, तो हम यही कहेंगे लड़कियों से अगर वो जा रही हैं तो अपने मम्मी पापा से पूछ कर बता कर, जब वो प्यार भी करती हैं तो अपने मम्मी पापा से बताएं, और मम्मी पापा को भी सपोर्ट करना चाहिए, अगर वो प्यार करती हैं तो ऑब्वियसली उनके मम्मी पापा को सपोर्ट करना चाहिए। पेरेंट्स खुद ही इतना बच्चों को अपना लेट डाउन कर देते हैं कि तुम ऐसा बोलोगे तो ऐसा हो जाएगा, मैंने देखे हैं कि लोगों के घर में उनके साथ रेप हो जाते हैं, वो इसलिए कुछ नहीं कहती है कि मेरी मम्मी पापा क्या सोचेंगे, वो मुझे ही बोलेंगे तुम्हारी ही गलती होगी, तुमने ही कुछ किया होगा, तुमने ही हिंट दिया होगा, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, उसका भी जवाब उस लड़की को ही देना पड़ेगा कि उसने ऐसा क्यों किया। तो मुझे ऐसा लगता है मैम पेरेंट्स को भी सपोर्टिव होना चाहिए, हमेशा एक बच्चे की गलती नहीं हो सकती, अगर बच्चे से भी कोई गलती हो रही है तो उसका भी हाथ उसके पेरेंट्स का ही होता है। अगर ये होता है ना कि मैम हम किसी को इतना डरा दें तो बच्चा आपसे बताएगा नहीं, वो दूसरों से बताएगा, वो बाहर जाएगा, अगर उसको घर से प्यार नहीं मिलेगा तब भी वो बाहर जाएगा, तो अपने बच्चों को हमेशा ज़रूरी नहीं है पेरेंट्स ही बन के रहो, उनके साथ समटाइम आप फ्रेंड्स भी बन के रहो, उनसे कहो कि तुमको कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, हम आपके साथ हैं, अगर तुमने कुछ गलत भी किया है तो मुझे बताओ, उसे छुपाओ नहीं। मैम मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ लव मैरिजेस के केसेस में वो लोग अपनी लड़की को काट के मार के फेंक देंगे लेकिन उसको शादी नहीं करवाएंगे, तो मैम इसी डर के चक्कर में लड़के भाग जाती हैं, उनके साथ गलत हो जाता है, तो मैम इसमें पेरेंट्स की भी गलती है, पेरेंट्स भी बहुत चीज़ में गलत होते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैंने बहुत सारी महिलाओं से बात करी, ये मुद्दा महिलाओं के लिए मुख्य था क्योंकि महिलाओं को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है, इसलिए महिलाओं से मैंने बात करी और आपने देखा कि उन्होंने क्या कुछ कहा। यहाँ पर बात आती है मानसिकता की, यहाँ कोई हिंदू है या मुस्लिम है, इस तरीके से हम किसी लड़के को डिफाइन नहीं कर सकते कि वो आपके साथ गलत करेगा, उसकी मानसिकता कैसी है, उसकी परवरिश कैसी है, उसका वातावरण कैसा है, ये सारी चीज़ें उसे एक अच्छा पुरुष बनाते हैं। और कहीं ना कहीं महिलाओं की भी गलती निकल के आ रही है, जैसे मैंने और महिलाओं से बात करी तो उनका कहना है कि महिलाओं की भी गलती है, या इस केस में भाग्यलक्ष्मी की भी गलती थी कि वो अपने पति को छोड़ कर किसी और के साथ रह रही थी। तो ये सारी जो घटनाएँ हो रही हैं,
इन सभी से जागरूक होने के लिए अब महिलाओं को स्वयं आगे आना पड़ेगा, क्योंकि सरकार और प्रशासन भी बहुत सारी चीज़ें कर रही है लेकिन इसका असर कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन बहुत सारे केसेस आपके सामने आ रहे हैं। और उसमें से ये केस भी जो आप बेंगलुरु में सामने आया भाग्यलक्ष्मी का, उसमें से यही एक ये भी एक केस था। तो इन द एंड बस मैं ये कहना चाहूँगी कि द्रौपदी उठो और शस्त्र उठाओ, अब गोविंद ना आएंगे। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए कैमरामैन दीपक के साथ, मैं कनक मिश्रा, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।